मैं हूँ अजय सिंह तोमर, आप देख रहे हैं तोमर क्राइम न्यूज। आज हम दुदोड़ गौशाला गोपाल गौशाला में हैं और यहाँ आज गोपाष्टमी का पर्व मनाया जा रहा है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि तैयारी चल रही है और पंडित प्रकाश व्यास जी हैं जो मंत्रोच्चारण कर हवन में, ये यजमान जो बैठे हुए हैं हवन में बैठे हुए हैं और यह मेरे पीछे चल रहा है, आप देख सकते हैं। ये गोपाल गौशाला समिति दुदोड़ में हम यहाँ पर हैं और देखिए चल रहा है, तो हम आप आगे हवन का भी दिखाएंगे, बने रहिए मेरे साथ। आप देखिए अब गोपाल गौशाला समिति में भवन हवन होना शुरू हो चुका है, आहुति दी जा रही है हवन के अंदर, आप देख सकते हैं सीधा आहुति दी जा रही है और मंत्रोच्चारण पंडित प्रकाश व्यास द्वारा यह हवन किया जा रहा है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे यजमान बैठे हैं और हवन में आहुति दी जा रही है। देखिए आहुति सीधा लाइव देखिए, पश्चात वह पूजन होगा, पूजन होगा। गोपाष्टमी का एक बड़ा ही महत्व माना जाता है, इसके बारे में हम आपको अभी कुछ अब देखिए हवन पूर्ण आहुति के बाद में अब गौ पूजन हो रहा है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं गौ पूजन हो रहा है, इसका बड़ा ही महत्व है आज के दिन का, गोपाष्टमी का। कहते हैं कि जब बलराम और कृष्ण छोटे थे और वो चाहते थे कि हम भी गाय चराने के लिए जाएं, तो उन्होंने अपने नंद बाबा से घर जाकर कहा कि बाबा हमको भी गाय चराने के लिए जाना है। तो बाबा बोले बेटा अभी तुम बहुत छोटे हो, गाय नहीं चरा सकते, और बड़े हो जाओ तब गाय चराना। लेकिन वो हट करने लगे तो नंद बाबा ने कहा कि यशोदा से कहा कि यशोदा इन बालकों को समझा ले कि ये हट कर रहे हैं गाय चराने के लिए। तो यशोदा बोली मैं क्या करूं, आप ही जानो इस बारे में। तो उन्होंने कहा कि ठीक है अब इसका फैसला गुरुजी ही करेंगे। तो नंद बाबा गुरुजी के पास गए और गुरुजी से बोले कि गुरुजी ये हट कर रहे हैं बालक के गाय चराने जाना, अभी इनकी उम्र छोटी है और कंस जो है उसके आदमी काफ़ी चारों तरफ घूम रहे हैं, काफ़ी खतरा है। तो इस पर गुरुजी ने कहा कि ये ऐसा करो कि इसके लिए तो बरसाने जाना पड़ेगा, बरसाने जाकर और वृषभान की यहाँ जाकर उनकी चौखट को पूजना होगा, चौखट पूजना होगा तभी जाकर ये गाय कहीं चरा सकते हैं। तो गुरुजी के साथ नंद बाबा जाते हैं और कृष्ण और बलराम को साथ लेकर जाते हैं। तो वहाँ जाकर वो पूजा सामग्री की बात करते हैं, तो उन्होंने कहा पूजा सामग्री भी चाहिएगी, और उसके बाद पूजा सामग्री हो गई तो उसके बाद में जो कमली बिछाई जाती है, राधा की जो कमली होती है कमरिया, उसको बिछाई जाती है। तो गुरुजी कहते हैं कि इसका पूजन करके और आपको कुछ मांगना पड़ेगा इनसे। तो वो नंद बाबा बोले मैं खुद ही राजा हूँ तो मैं किसके आगे हाथ फैलाऊँ, तो देखिए कि मैं किसके आगे हाथ फैलाऊँ। तो गुरुजी कहते हैं भाई मांगना तो पड़ेगा। तो नंद बाबा बोलते हैं गुरुजी जी के, गुरुजी आप ही मांग लो इनसे। तो गुरु बोलते हैं ये तो तीनों लोगों के स्वामी है, मैं भी इनसे नहीं मांग सकता, आपको ही मांगना पड़ेगा। तो वो नंद बाबा फिर उनसे काली कमली को मांगते हैं, तो जब तक ये काली कमली अगर आप इन बालकों के ऊपर नहीं उड़ाएंगे जब तक इनमें ताकत नहीं आएगी। तो नंद बाबा उसकी चौपट को पूछते हैं बरसाने में जाकर, उसके बाद काली कमली मांगते हैं और काली कमली मांगने के बाद में उन काली कमली को बलराम और कृष्ण के उड़ाया जाता है। तो ऐसी मान्यता है कि काली कमली उड़ाने के बाद में उनमें ताकत आ गई थी और वो उसके बाद में ही गायों को चराने के लिए उनको भेजा गया। तो कदम के पेड़ के ऊपर बैठ के बांसुरी बजाते हैं तो गायों को, तो ये सबसे पहले जो चौखट पूजी जाती है हवन पूजा हो जाती है, उसके बाद में गौ पूजन का महत्व है। तो अब देखिए ये जो हवन हुआ है वो एक चौखट ही है, चौखट पूजी गई है, उसके बाद में जो है गौ पूजन हो रहा है। आप पीछे से देख सकते हैं गौ पूजन, ये गौ पूजन चल रहा है, आप ये देखिए मेरे साथ ये सारे गौ पूजन चल रहे हैं। तो ये आज का गोपाष्टमी आज के दिन का दिन महत्वपूर्ण है और इसीलिए गोपाष्टमी मनाई जाती है। बने रहिए मेरे साथ, मैं अजय सिंह तोमर।